सब्सक्राइब करिए टेक्निकल फ्रेंड आर और इस बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानने के लिए। दोस्तों, आजकल सभी स्मार्टफोन पे, चाहे एंड्रॉइड हो, विंडोज हो, आईफोन हो, सस्ती फोन हो या महंगी फोन हो, एक प्रॉब्लम सभी यूजर फेस करते हैं, वो है हीटिंग प्रॉब्लम। अगर आपके फोन पे भी कुछ ऐसा ही हीटिंग प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे हीटिंग से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा और इससे बचने का तरीका भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपको टेक्निकल फ्रेंड में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज गर्म होता है, आपकी कार भी गर्म होता है। उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगा जाता है, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर भी फैन लगी होती है, तो सभी मशीन काम करते वक्त हीट जनरेट करते हैं। तो ऐसा गर्म क्यों होता है? तो पहला कारण है प्रोसेसर। प्रोसेसर आपकी फोन की सभी काम करती है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमेशा चलता है। प्रोसेसर बनी होती है सेमीकंडक्टर से, जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब प्रोसेसर काम करता है तो इलेक्ट्रॉन सब दौड़ते हैं, तो उनके बीच टक्कर होती है और इससे हीट जनरेट होती है। जितना ही तेज आपकी प्रोसेसर काम करती है, उतनी ही तेज इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और उतनी ही तेज हीट जनरेट होती है। तो देखिए, हीट तो जनरेट हो गया है। इसके अलावा आपका जो स्मार्टफोन है वो आजकल धीरे धीरे स्लिम होता जा रहा है, तो वो हीट जनरेट जो होती है उसको बाहर जाने पे रास्ता नहीं मिलती और हीट आपको फोन की बॉडी पे महसूस होती है। दोस्तों, दूसरा कारण है ओवरलोड का। अगर आप अपनी कार को 60 की स्पीड पे चलाएंगे तो थोड़ी गर्म होगी, लेकिन 160 पे ज्यादा गर्म होगी। वैसे ही प्रोसेसर नॉर्मल टास्क करते वक्त लाइक मैसेजिंग, कॉलिंग, इन केसेस पे ज्यादा गर्म नहीं होती, लेकिन अगर आप बहुत सारे काम लाइक गेमिंग, डाउनलोडिंग या फिर 4K रिकॉर्डिंग एक साथ करते हैं तो इन केसेस पे प्रोसेसर बहुत ज्यादा काम करती है, उसके ऊपर लोड पड़ता है और फोन गर्म हो जाता है। दोस्तों, तीसरी कारण है डेंस बैटरी की। हीटिंग में बैटरी की भी हाथ होती है। आजकल स्लिम फोन के वजह से स्लिम और छोटा बैटरी यूज किया जाता है। इससे क्या होता है ना, जब बैटरी के ऊपर थोड़ा सा भी हीट आता है तो वो अपने हीट को आसपास पे छोड़ देता है, यानी कि आप जब फोन को पकड़े रहते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। दोस्तों, एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो भी फोन को हीट करता है। हमारी नॉर्मल टेम्परेचर 30 से 35 या फिर 45 तक होती है, तो इस टेम्परेचर से अगर आप फोन को यूज करेंगे या चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली वो गर्म होगा ही होगा। उसके बाद आता है पोर सिग्नल। पोर सिग्नल भी फोन को हीट करता है। अगर आपकी फोन पे सिग्नल कम आ रही है तो फोन अपनी एंटीना पे ज्यादा पावर खर्च करता है, वो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल लाने की कोशिश करता है, तो आपकी प्रोसेसर भी ज्यादा काम करता है और आपका फोन हीट हो जाता है। तो दोस्तों, फोन हीट होना नॉर्मल बात है। अगर आपका फोन 45 डिग्री तक भी गर्म होती है तो भी ये आम बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका फोन हमेशा 40 या उससे ज्यादा गर्म रहता है तो ये एक प्रॉब्लम बात है। तो हीटिंग से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आपका प्रोसेसर ज्यादा गर्म हो जाता है तो फोन में आप जो भी यूज कर रहे होते हैं वो थोड़ा रुक रुक के चलता है, क्योंकि प्रोसेसर गर्म होने की वजह से स्लो काम करती है। तो हीटिंग को कैसे कंट्रोल करें? अगर बैकग्राउंड में कुछ गेम या एप्लीकेशन चल रहा है या फिर कोई हेवी वर्क चल रहा है तो फोन पे कुछ मत कीजिए। अगर आपने सिस्टम अपडेट नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन से भी फोन गर्म हो जाती है, क्योंकि प्रोसेसर उसको ठीक से ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छी सुझाव दूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली इस तरह के टेक वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।